सभी को मेरा नमस्कार। हम देख रहे हैं पटवारी के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट आईएमपी, मोस्ट 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 से भी आईएमपी है, ठीक है। तो हम उसको देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा स्लोगन है, इस बार पटवारी पार या अंतिम बार पटवारी पार, ठीक है, ये हमारा स्लोगन है और हम इसको करके रहेंगे। ये हमारा आज का काम है, ठीक है। क्या करके रहेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करके रहेंगे। अब बात आती है हमारे, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, अभी पढ़ा ही रहे हैं, कल लास्ट दिन है और अभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं। तो यार देखो, स्ट्रेटेजी सही अपनाओ, कब क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, उन स्ट्रेटेजी को अपनाना आपकी जिम्मेदारी है, तभी पटवारी निकलेगा। पटवारी हलवा नहीं है। और रही बात एक दो दिन में पटवारी निकलने की, तो आराम से निकल जाता है एक दो दिन में, बस स्ट्रेटेजी सही हो, सही से पढ़ाई कर रहे हो, सही मेहनत कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। सही पढ़ाई क्या है हमारी, कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें। किसके लिए? 30 से 40 नंबर लाने के लिए। 30 से 40 जो क्वेश्चन है वो सही होने के लिए, नंबर नहीं, 30 से 40 क्वेश्चन सही होने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने तैयारी नहीं किया है, मान लो 20 नंबर आप खुद से ला सकते हो, 40 नंबर आप यहाँ टेस्ट से निकाल सकते हो। मान लो आपने तैयारी की है, आपका 40-50 नंबर आ रहे हैं, मान लो 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो, मतलब 30 क्वेश्चन आप ला सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से। तो सही स्ट्रेटेजी अपनाओ, ठीक है, कुछ भी मत पढ़ो। दूसरी चीज, इतने कम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और आप क्या कर रहे हो? मैं देखा अभी टीचर, बहुत सारे टीचर अभी क्या लाइव है पढ़ा रहे हैं, मैं देखा उनको, वो क्या करते हैं पता है, 10-20 क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको एक घंटे में पढ़ा के जाते हैं, हमको 80-80 क्वेश्चन हम कर रहे हैं आधा घंटे में, सोचो, ठीक है। हमको टाइम पास नहीं करना है, हमको पटवारी बनना है ना, पटवारी अगले साल नहीं बनना है, इसी साल पटवारी बनना है। तो अभी हमको दे बत्ती करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, दे मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एकदम फाड़ के लगाना है, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले यार कुछ भी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक सही स्ट्रेटेजी अपनाओ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। जनरल नॉलेज का हमारा जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ तो मैं बता रहा था, पहले वो बता दूं कि क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, उसके अलावा ना तो रिविजन करना है, रिविजन थोड़ी बहुत करना है, करना है तो थोड़ी बहुत करना है। वो कब करना है? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में समझ में आता है कि यार ये वाला मेरा टॉपिक छूट गया, या फिर ये वाला टॉपिक मैंने रिविजन नहीं किया हूँ, तब रिवीजन करना है, ठीक है। वैसे ही रिवीजन नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद रिवीजन करना, ठीक है। मतलब आप एक पेपर लगाते हो, उसके बाद आप एक जो भी टॉपिक आपका लगता है कि इस टॉपिक में मैंने कम पढ़ाऊँ या इसमें मैं कमजोर हूँ, उसको जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। तो इससे फायदा होगा। दूसरी चीज, फायदा को मैंने बता दिया कि अगर आप टेस्ट लगाते हो तो 30 से 40 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और अच्छे से बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हैं। मैंने तो अभी कितने 33 करवा चुका हूँ, 34 या करवा रहा हूँ, इतने सारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, कहाँ से इंपॉर्टेंट की जरूरत है यार? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कहाँ से इंपॉर्टेंट लेके आऊंगे? जो भी लेके आ रहा है ना, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके आ रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही क्यों नहीं लगाते? मैं बता रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, मैं आपको पूरा करके दे रहा हूँ इसमें, आप इसको देखो ना, इसको देख के आप कर सकते हो, ठीक है। या तो देखो, मैं ये सब कर रहा हूँ, ये आपके बहुत काम का है, ठीक है। अब आपके पास मान लो आपको मुझसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझसे नहीं पढ़ना है, इसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप कर सकते हो, MPPEB की वेबसाइट में जाओ, वहां से पेपर डाउनलोड करो, आप वहां से पेपर डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। या तो देखो, मैंने अब वहां से जाओगे, डाउनलोड करोगे और फिर समझोगे उन सब चीज़ों को, समझने में आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ लाके पटक दिया हूँ, समझ रहे हो, पूरी मैंने यहाँ बना दिया हूँ, अच्छे से मेहनत किया हूँ मैंने उस चीज़ पर, ठीक है। तो मेरी मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसको भी देख लो। सब लोग क्या है, देखो पैसे कमाने बैठे हैं यहाँ पर, वो लोग जितने हैं ना सब पैसे कमाने बैठे, लाके क्या देंगे, लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, हो गया, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। और जब मैं फ्री में ला रहा हूँ ना, तो उसको देखो, समझो बात को, समझो, ठीक है। वो सब लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, सब 25-30 क्वेश्चन 2-2 घंटे में करवा रहे हैं सेशन लेके लाइव में। मैं खुद लाइव में अभी 80 क्वेश्चन करूँ, मुझे समझ में आता है कि अगर हमको समझाना है तो हमको टाइम लगता है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर ये समय हमारा उस स्ट्रेटेजी से करने का है ही नहीं, वो गलत स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी से को हम 10 दिन पहले करते तो हमको काम आता, अगर उस स्ट्रेटेजी से अगर हम अभी करेंगे तो हमको उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए, समझ रहे हो। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हम उससे पढ़ लो या व्यापम के
आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी अपना लो। मेरे इसमें ऐसा है, उसमें आपको क्या है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, आपको हर चीज़ में उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने सिर्फ आधे घंटे में 80 क्वेश्चन किया हूँ, मामूली बात नहीं है, आधे घंटे में 80 क्वेश्चन करवाया हूँ। आप एक एक वीडियो जाकर अच्छे से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 33 वीडियो की, अभी ये 34 है और आगे बनाते ही जा रहा हूँ मैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। और मेरे 8-8 सेट बचे हैं, आई थिंक 8 या 7 सेट बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, आज के आज ही सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले पहले वक्ता कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर वो है पंडित कुंजीलाल दुबे जी, जो थे वो हमारे पहले वक्ता थे। वक्ता की बात हो रही है ना, कौन किसकी बात हो रही है, स्पीकर की ना, वक्ता थे। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है SS भटनागर, इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की जो है श्रृंखला स्थापित की है, CSIR वैज्ञानिक श्रृंखलाओं, ठीक है। गोलकोंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो गोलकोंडा है उसकी स्थापना किसने की थी राजवंश की? तो वो है कुलू कुतुब शाह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 30 अक्टूबर 2017। अब देखो डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा इसको, अगर मैं मान लो डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, 4-5 पॉइंट 7-8 पॉइंट समझाऊं, आपको नहीं लगता समय ज्यादा लगेगा? और क्या इस समय हमें ये सब समझने का टाइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार सेशन देख लूँ, यार मैं भूल गया था, सेशन सेशन देख लेता हूँ हमारा सही चल रहा है या नहीं। ओके तो वेरी गुड, हमारा सेशन एकदम करेक्ट चल रहा है आई थिंक, एक बार और मैं देख लेता हूँ। तो एक मिनट, हाँ शायद कुछ इशू हो गए हैं। 33, हाँ वेरी गुड, 34। और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आपके जो भी सवाल है ना, हमारा सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। आप कमेंट पर करके पूछ सकते हो जो भी आपके सवाल हो, ठीक है। तो मैं वही बताया कि अगर मैं इसको 5-6 पॉइंट में 7-8 पॉइंट में बताऊं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हमको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन लेके बैठ गए उससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, उससे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं, इससे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर लाने के लिए हमको पूरे क्वेश्चन पेपर को कुछ नहीं करना ना, एक बार पढ़ना है बस, हो गया, एक बार समझना है बस, हो गया। अगर लगता है कि दूसरी बार पढ़ना फिर देख लेना, दिक्कत क्या है। जितनी ज़्यादा उस तुम क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना उतना फायदेमंद होगा आपके लिए ये समय में। और तुम कहते हो कि सिलेबस हमारा चेंज हो गया सर, सिलेबस चेंज हो गया, तो कुछ नहीं होता सिलेबस चेंज होने से, इंग्लिश ऐड हुआ है बस, ठीक है। और जो प्रबंधन है वो है ना, और पटवारी का काम क्या होता है, पूरा वही ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का, वहां से सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वहां की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को ही तो पूछा जाएगा ना प्रबंधन में। पंचायती राज में क्या क्वेश्चन आते थे, वही प्रबंधन के क्वेश्चन, मतलब पंचायती राज के क्वेश्चन आते थे, अंतर क्या है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस नाम चेंज हुआ है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक सदस्यीय रैंकिंग में किस देश का नंबर एक स्थान रहा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है वो नंबर 1 पर है। अब क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो है वो शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को स्थापित करने की शक्ति खालिस्तान के पास है? तो जो स्थापित करने की शक्ति है वो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्थगित करने की बात हो रही है ना, विखंडित करने की बात हो रही है, वो अध्यक्ष के पास है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, जो कि सबसे समृद्ध पठार है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य खालिस्तान है, मतलब खालिस्तान प्रदान करना है, तो वो है पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण करना है, ये है किसका, सौभाग्य योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है? तो ये है हम लोग, ये जो हम लोग टेलीविजन धारावाहिक है वो भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है? तो वो है जबलपुर, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में, और एक कहाँ है खंडपीठ, इंदौर में, और एक कहाँ है ग्वालियर में, दो खंडपीठ है, ठीक है, और मेन जो है वो जबलपुर में। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य
राज्य कौन सा है? देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, राजस्थान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव मंदिर कहाँ है, मतलब कुंडदेव मंदिर है वो कहाँ है? ये कुंडलेश्वर में है, टीकमगढ़ में स्थित कुंडदेव मंदिर। डबल बार वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो कुंडलेश्वर में है नाम से स्पष्ट है, स्पष्ट है कुंडदेव मंदिर, ठीक है, और टीकमगढ़ जिले में है। तो देखो बैतूल, मुरैना, ये तो आएगा ही नहीं, ओरछा भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, नीमच जिला ने किस अन्य राज्य, मतलब नीमच जो जिला है वो किस अन्य राज्य की सीमा स्पर्श करता है? तो वो राजस्थान राज्य की सीमा स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो देखो राजवाड़ा होगा, अच्छा लाल बाग महल है, देखो ऑप्शन जो थे उसके हिसाब से है ना, लाल बाग महल है वो राइट आंसर है। मंडू मान क्या है, मंडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और खालिस्तान के बीच रोमांस के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो वो रानी रूपमती के साथ जुड़ा हुआ है, रानी रूपमती और बाज बहादुर के रोमांस के साथ ये जुड़ा हुआ है, कौन सा? मांडू, जो मंडू में रीवा का कुंड स्मारक है वो। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जो किया गया है वो चंदन नदी पर, ये बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है गन कैरिज फैक्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंडोला महल जहाज महल दोनों खालिस्तान में स्थित है? तो ये मांडू में है, और मांडू को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, जो कि धार जिले में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो ये इसमें 66 तटीय जिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत वन है? तो ये 30.72% क्षेत्र में वन फैला हुआ है। अब हमारा टॉपिक चेंज हम कर लेते हैं, क्योंकि हमको मैथ्स नहीं करना है, हमको हिंदी करना है, मैथ्स के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम की ही कमी है, ठीक है। देखो यार वो ना, अगर देखो मैं आपको बोलता हूँ, मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, और मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप बताओ आप क्या आंसर होगा, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, और इससे मेरा फायदा है क्योंकि आप इसमें काम कर रहे हो, ठीक है, और मैं जो कर रहा हूँ इसमें आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो इससे दिक्कत क्या हो रही है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा प्रॉफिट इसमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, ठीक है, और आपको बोलता हूँ आप आंसर दो, तो इसमें मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, तो सारे कोचिंग वाले यही करते हैं, बात को समझो, आपका इसमें फायदा नहीं है, फायदा आपका इसमें है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो मैं वैसा कर रहा हूँ आपके फायदे के लिए चीजें कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, तो वो जो था थम जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, वर्णों के क्रम को पूर्वक जो है करने कहलाता है, वो वर्ण विक्षेप कह जाता है ना, क्रम को जो है अलग करने को वर्ण विक्षेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखो यार इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, रा जो है वो सामने से दिख रहा है, स्वर नहीं है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी जो है वो है अनाधिकार, जो कि शुद्ध वर्तनी है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, आई थिंक ये शुद्ध वर्तनी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो अलौकिक है वो शुद्ध है, अत्यधिक है वो शुद्ध है, और बारात भी शुद्ध है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है ना, क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया। तो ध्वनि के मेल होने से, जो ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पति का पर्यायवाची क्या है? तो हम वल्लभ कह सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं, पति का पर्यायवाची, हस्बैंड का पर्यायवाची। अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अंडज कहते हैं, क्या है? अंडज उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो निश्चय का जो संधि विच्छेद है वो है निधन निधन चय, जो कि संधि विच्छेद है। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसे हम दानव कहेंगे, देव का विलोम शब्द क्या है? दानव। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो हम इसे कहेंगे दुर्दशा, क्योंकि दुर उपसर्ग से बना हुआ है, आप देख सकते हो, दुहाई, दूरी, दूर, ये सब नहीं है, दुर्दशा जो है राइट आंसर है, ठीक है।
ऑप्शन में देख के यार बहुत आसान नहीं है क्वेश्चन। तो नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है नवरत्न शब्द में। आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो मृत्यु होना चल बसना मुहावरे का अर्थ है, शब्द से ही स्पष्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्वा, तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये शब्द कौन सा सही है? तो ये तत्व सही है ना, आप भी लगा लोगे, लेकिन करना है ठीक है, अच्छे से करना है, मतलब आंख बंद करके ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो उत्साह जो है वो वीर रस का एक स्थायी भाव है। अब आई है हमारे पास पंक्ति, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी जल कांति थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हमको प्रेरित होता है? वो उपमा अलंकार हमको इसमें प्रेरित होता है, हमको समझ में आता है। उपयुक्त तो विलोम शब्द चुनिए, तो उत्कर्ष जो है उसका विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष जो है वो हमारा विलोम शब्द है उत्कर्ष का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विग्रह संधि का नहीं है? तो ये जो सु धन अल्प है वो संधि विग्रह वृद्धि संधि नहीं है ना, वृद्धि संधि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो ये जो प्रताप है वो प्रति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आप देख सकते हो ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए? हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है वो ये है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मनोहर का समास विग्रह बताइए? तो मन को हारने वाला मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब देखो, अब आप लोग कहते हो कि भाई मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हो रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, तो मैं आपको बता दूं आप पटवारी का पेपर दे रहे हो, पटवारी के पेपर में पंचायती राज ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। पंचायती राज के क्वेश्चन आएंगे जो कि वो मैनेजमेंट में पूछेगा, कहीं में पूछेगा मैनेजमेंट में, यही क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यार मास्टर लोग क्या अपना कोर्स बेचने के लिए ना कुछ भी बोलते हैं कि यार हमने ये कोर्स बना दिया, हमने वो कोर्स बना दिया, उससे आप पढ़ो तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और ले देके वो यही वाले क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। बात को समझा करो, तो जब जो चीज फ्री में मिल रही है तो उसको फ्री में लेने के लिए आप भी कैपेबल रहो, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं इसको आपको इसमें शामिल कर लूं, मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, चार ऑप्शन दे दूं और आपको बोलूं कि आप उत्तर दो, तो इसमें मेरा फायदा है, क्यों? आप चैट कर रहे हो, आप मुझे उसमें कमेंट में लिख के दे रहे हो, तो इसमें मेरा फायदा है। पर आपका क्या फायदा है? क्यों? क्योंकि आपको ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आज के दिन करने हैं, तो उसमें आपका फायदा है। अगर आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करते हो, आपको उसमें कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, पटवारी निकालना है अपने को, है ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देखो पूरे, आपका पटवारी निकल जाएगा। और नहीं आपको मैं, ठीक है भाई मेरा पसंद नहीं आता, आप प्रीवियस जो पटवारी का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का एमपीपीएबी में, वहां से जाके डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो, दिन भर बैठ के आपका आपको समझ में आ जाएगा कल परसों में कि आपका पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, बात समझ रहे हो। तो स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, कोई मास्टर आपको कुछ कहता है तो वो अपने फायदे के लिए कहता है, ठीक है। अब मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूँ इसमें, ये अलग बात है, ठीक है ना। अगर कल को अगर मुझे भी पैसा चाहिए तो मैं भी अपना फायदा देखूंगा, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी अपने, अगर फ्री में मिल रही है तो फ्री में लो ना यार, बस और क्या ना। कोई कुछ भी कहता है 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे में करवा जाता, आज कर ही नहीं सकते, आज से 10 दिन 15 दिन पहले अगर करते तो हम कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा अगला क्या कहता है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन समझ के करना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो जनपद पंचायतों के लिए कौन सा स्रोत जो है वो राजस्व के लिए है? फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा, ये हमारे उसका किसके लिए, पैसे की जो है आय का इनकम का सोर्स है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनपद पंचायत के लिए, मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंडी बोर्ड के रूप में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को खालिस्तान की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है नाबार्ड, नाबार्ड को स्थापित क्या जा रहा है ग्रामीण ज्ञान केंद्रों ज्ञान केंद्रों के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं? तो आप बताओ इसमें वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है, ठीक है। ये पुराना डेटा है तो आपको अभी नया बताना है मुझे, आप कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ग्रामीण कृषि मंत्री अभी कौन है ना। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्र केंद्र की बात हो रही, केंद्र के मंत्रिमंडल में है ना।
तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की नई मजदूरी अब खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोहरी प्रविष्टि पद्धति। ये है ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का उद्देश्य क्या है, जिसका प्रयोजन खाद्य किसानों की सहायता करना है, जो खाद्यान्न किसान हैं उनकी सहायता करना है, तो इसका जो राइट आंसर वो किसान को उचित मूल्य दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है DRDA प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है गरीब विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये DRDA का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है, परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना ये उद्देश्य नहीं है, किसका प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मनरेगा के तहत यदि काम करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है क्या पैसा ना जो मजदूरी है वो, तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले 30 दिन की मजदूरी दर 1/3, उसके बाद 1/2, है ना, इसका जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड वैधता कितने मतलब कितनी है, तो ये जो है 5 वर्ष तक की है मनरेगा कार्ड की जो वैलिडिटी है, अंतिम डेट उसकी जो है वो कितने महीने तक की है, 5 वर्ष तक की है, महीने नहीं 5 वर्ष तक की। अगला क्वेश्चन है 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना है। अगला क्वेश्चन क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1969 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और आप लोग क्या है कई और से 20-20 30-30 क्वेश्चन लोग करवा रहे हैं, उनको आज की डेट में नहीं करना है, पहले अगर अपने को अच्छे से डिटेल में समझना है उसके लिए आज तो जितना हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। ठीक है, और नया नहीं पढ़ना है, सब पुराना रिवाइज करो बस, और कुछ नहीं, रिविजन करना है नया नहीं पढ़ना है, दोनों अंतर चीज है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाना है, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लगाना है। ठीक है, ग्रामीण जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू हुई है, तो ये 2005 में हुई है, और 2005 में RTI को भी लागू किया गया है, हम देखते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ITR की RT राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी परिवहन सुविधाएं जो है वो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ठीक है, अब जो कार्य है वो जरा हम देख लेते हैं एक बार, स्थानीय बाजारों की स्थापना करना मतलब जो बाजार है उनकी स्थापना करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, जैसे कोरोना आया था तो सभी ग्रामों में लॉक लगा दिया गया था, गाँव की सड़कों पर रोशनी करना, तो जो बिजली के खंभे हैं उनको स्थापित करना ग्राम पंचायत का कार्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 वर्ष का होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पंचायत हो जाए, जनपद पंचायत हो जाए, सबका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अपना विधानसभा हो जाए, लोकसभा हो जाए, सबका 5 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, अंतर यह है कि राज्य विधानसभा जो राज्यसभा है उसका 6 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा का 6 वर्ष का है और लोकसभा का 5 वर्ष का है। एक जिला परिषद को भंग कर सकता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है जो जिला परिषद को भंग कर सकता है। अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंप्यूटर नॉलेज से, उम्मीद है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इस सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और लाइक का बटन एक बार दबा दो यार प्लीज, है ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं, तो ये देखो यार ये ऑप्शन है इंटरप्रेशन, जो व्यवहारवादन है, अवरोधन है, संशोधन है, निर्माण है, फैब्रिकेशन है, तो इसका जो राइट आंसर है हम देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर है, ये देखो ये वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 और 5, तो 1 2 3 4, 5 4 नहीं है,
निर्माण का कार्य इसका नहीं है, इसका कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सुरक्षा खतरे के निम्न प्रकार हैं, खतरे के इंटरपोलेशन, व्यवधान, इंटर अवरोधन है ना, मॉडिफिकेशन और संरचना, ये सारा काम करता है कौन, जो नेटवर्क सुरक्षा खतरे के प्रकार जो है वो है ये चार, और जो निर्माण का कार्य वो नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होकर का वो होता है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है? तो जो MS SQL सर्वर है वो जो है वो क्या है, एक एक्सेसरीज टूल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब आप एमएस वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट तो और प्लस का को एक साथ दबाते हैं, तो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की जो बटन है उसको एक साथ दबाने पर क्या होता है? तो चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, ये एमएस एक्सेल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडम का आविष्कार किया? तो जो है एटी और टी ने इसका सर्वप्रथम आविष्कार किया है, किसका, डाटा फोन और मॉडम का। जो मॉडम होता है ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ देख लेते हैं, ये खाली जगह में, ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, और ये हमारे पास ब्रॉडबैंड है, वाईफाई की सुविधा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक मॉडम का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल लाइन को हम इससे कनेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं, हालांकि जो करते हैं उसके लिए हम केवल टीवी लाइन, सैटेलाइट लाइन, टेलीफोन लाइन का हम उपयोग करते हैं, बट इलेक्ट्रिकल लाइन जो हमारे खंबे वाली लाइन है उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने बाइट का 1 किलोबाइट होता है? तो 2 की घात 10 जो बाइट है वो 1 किलोबाइट होता है, कितने बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो ठीक है, जो मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट बराबर कितने गीगाबाइट होता है, कितना गीगाबाइट बराबर कितना टेराबाइट होता है, ये सब आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएस एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस, जो डॉक्टर का प्रतीक बड़ा प्लस है हम उसको चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो हेडर है और जो फुटर है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले में हेडर होता है, नीचे वाले में फुटर होता है। ठीक है, तो हेडर फुटर का हम, आप एक सिलेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर सेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। अब इसमें कुछ ऐसे गलत भी पॉइंट दिए होंगे, लेकिन इसमें जो सही पॉइंट हम पढ़ मैंने पढ़ दिया। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस के लिए किस जो किसके लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल एस का? तो कंट्रोल एस का जो यूज हम करते हैं वो करते हैं सेव करने के लिए, और कंट्रोल सी का हम कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल ए का सिलेक्ट करने के लिए, जो जितने भी वर्ड है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, और बाकी तो ठीक है ना, इतना ही अभी ठीक है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो जो लैन का पूर्ण रूप है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है कट, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके और कट किया, तो वहां से हट जाएगा क्या, वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? तो हम इसका उपयोग करते हैं पेज सेटअप का। अगला क्वेश्चन है 93, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कहता है आईटी का पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आईटी का पूर्ण रूप है, जो आईटी सेक्टर हम कहते हैं, आईटी कंपनी कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वेबसाइट कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये एक वेबसाइट बोल रहा हूँ, 1 टेराबाइट में खालिस्तान बाइट होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये डबल बार रिपीट हो गया है ना। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, जो हार्ड डिस्क है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, ये मेमोरी स्ट्रिप, ये ओएमआर, ओएमआर कहाँ यूज होता है, एमपीपीएससी पेपर में ओएमआर यूज होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एमएस एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सत्य है इसका, जो एक सेल को सिलेक्ट करते शिफ्ट करें और शिफ्ट को होल्ड करें और फाइनल सेल को सिलेक्ट करें, ठीक है, माउस की सहायता से सेल को ड्रैग करें, कर सकते हैं, और एक सेल को सिलेक्ट करें और एरो के इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को होल्डर करें,
ये भी इसका हो सकता है, ये जो ऑल ऑफ द अबोव है इसका राइट आंसर, तीनों इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर, अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं का या संसाधनों का अनुरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। आसान क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान को वेब भी कहा जाता है और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचता है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो हम इसको ओपी की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है बूट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज वगैरह हम बूट करते हैं कि नहीं, उसके लिए निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। ये जो जावा है वो सामने से दिख रहा है यार, वो हार्डवेयर नहीं है, है ना। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, अब मैं क्या बोलूँ इसका। देखो माउस जो है वो हार्डवेयर है, ये माउस रहा, ये हार्डवेयर है। ठीक है, कीबोर्ड दिया है क्या, प्रिंटर कीबोर्ड नहीं दिया, जो प्रिंटर है वो भी हार्डवेयर है, जो प्रोसेसिंग चिप है वो भी मदरबोर्ड में लगी है, तो वो भी हार्डवेयर है। तो जावा जो है वो एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बढ़िया से ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है, 100 के 100 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। और मैं अभी फिर से एक बार आपको बोलता हूँ, हर बार समझा रहा हूँ कि भाई सुनो, आज के दिन जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर लगाओ। मैं आपको बताता हूँ, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 30 से 40 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है पटवारी में ना। और 20-30 नंबर तो आप लेके ही आ जाओगे, तो जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से बन जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा। अभी मैंने ये 34वां सेशन है अपना, और इससे पहले मैंने 33 सेशन कंप्लीट कर दिया हूँ है। 7-8 सेशन बचे हैं, मतलब 7-8 क्वेश्चन पेपर बचे हैं, जो बचे हैं। आप चाहो तो आप खुद भी डाउनलोड करके उसको कर सकते हो। अब जब मैं इतनी मेहनत करूँ तो आप क्या मतलब उसको डाउनलोड करके, आपको फिर डबल मेहनत लगेगी। 30 मिनट में 80 क्वेश्चन तो भाई पॉसिबल नहीं है, आप भी खुद नहीं कर पाओगे, है ना। तो 30 मिनट में मैं 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है और मैं आपको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पता है मेरी रीच नहीं बढ़ रही है, आप समझ रहे हो। लेकिन मेरे को आपका फायदा देखना है, आपको ये बात शायद समझ में ना आए मगर मैं आपको बताता हूँ, इससे आपका फायदा है। वो जो 20-30 क्वेश्चन कर लेता है कोई आके और उस पर बहुत सारी डिटेल बता के चला जाता है, वो आपके आज के कोई काम का नहीं है, वहां से 10 दिन पहले का बहुत काम का, आज की स्ट्रेटेजी में ये बहुत काम का है। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैं एक बात बताऊं, 2017 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, 30 से 40 नंबर आप क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन वो आपके बढ़ेंगे। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो। तो मैंने ये करवा दिया हूँ, इससे भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। हेडफोन लगाना है, स्पीड को मैनेज कर सकते हो, जितना स्पीड आप रखना चाहो। ठीक है, वीडियो में रही बात दूसरी, दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, व्यापम की वेबसाइट से, MPPAV से। ठीक है, 2017 का पेपर वहां सारे डले हुए हैं। तो इस सेशन को हम करते हैं यहीं खत्म। जय राम जी की। ठीक है।